बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिकुल्ली दाइन दवाओं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई मर्ज ऐसा नहीं उतारा जिसका इलाज ना उतारा हो। इस सिलसिले में आजकल और पहले से भी जो एक खतरनाक मर्ज कैंसर की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है, इसका इलाज एलोपैथी में कीमोथेरेपी के जरिए किया जाता है, लेकिन वो इतना महफूज और मरीज के लिए बेहतरी की तरफ नहीं होता। शायद ही कोई मरीज अगर 100 मरीजों का जो है वो कैंसर का इलाज करे कीमोथेरेपी के जरिए, तो उसमें जिसकी अल्लाह की तरफ से बड़ी हो जिंदगी वही इसमें बच पाता है, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो तिब्बे आयुर्वेद यूनानी में अल्लाह की रहमत और फजल से हर किस्म के कैंसर का, प्रोस्टेट का कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, किडनी कैंसर हो, हर किस्म के कैंसर का अल्लाह की रहमत से बेहतरीन इलाज हो जाता है। इसमें हम ये उशबा बूटी है, इसका हम अरक जो है ये हम पिलाते हैं। अगर इसका अरक अल्लाह की रहमत और उसके फजल से 1 महीने तक अगर आप पानी मरीज का बंद कर दें और ये उशबा का अरक उसे आप पिलाएं पानी की जगह पर भी, तो अल्लाह के फजल से इस खाली 1 बूटी से कैंसर का इलाज हो जाता है। ये हमारा मुरक्कब है, इस मशीन में हम दवा को पीसते हैं। ये हम मुरक्कब अभी तैयार कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि क्यों ना अपने भाइयों को ये पैगाम पहुंचाएं कि किसी किस्म का कैंसर हो, तिब्बे आयुर्वेद में अल्लाह की रहमत से इसका इलाज हो जाता है। और बहुत ही मुनासिब और महफूज, और इसका कोई नुकसान भी नहीं, और चंद दिनों में अल्लाह के फजल से मरीज सेहत की तरफ आना शुरू हो जाता है, चंद दिनों में। तो ये पैगाम अपने भाइयों के लिए छोड़ा है मैंने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इससे फायदा उठा सकें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर लाइक और सब्सक्राइब करें, दूसरों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। ये सदका जारिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें। मिलेंगे इंशाल्लाह बारक तआला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।